पार्ट का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। एंड्रोकल्स टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड, उसने अपने बाएं हाथ में शेर का पंजा पकड़ा। डेफली ही पुल्ड आउट द थॉर्न, डेफली एंड स्किलफुली, महारत से और जल्दी से उसने उसके पैर में से थॉर्न यानी काटा खींच लिया। देन टियरिंग ए पीस ऑफ हिज ओन क्लोदिंग द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पॉ, फिर टियर करना यानी फाड़ना, पीस ऑफ हिज ओन क्लोदिंग यानी अपने खुद के कपड़ों में से उसने एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और वो काइंड मैन यानी वो मेहरबान आदमी जो था उसने लॉयन के इंजर्ड पॉ यानी उसके जख्मी पंजे पर वो कपड़ा बांध दिया। काइंड मैन कौन था? एंड्रोकल्स। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर द लायन देन लिक्ड हिज आर्म एज इफ टू शो ग्रेटिट्यूड, तो ग्रेटिट्यूड यानी क्या होता है? शुक्रगुजारी, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। एंड्रोकल्स हैरान रह गया, उसको हैरत हुई कि लायन ने फिर उसका आर्म को लिक किया है। किसके आर्म को? एंड्रोकल्स के आर्म को लिक किया, जबान से चाटा जैसे कि वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। एंड्रोकल्स रिमेन विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन, एंड्रोकल्स शेर के साथ तब तक रहा जब तक कि वो फिर से चलने फिरने के काबिल हो गया। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट, जो बेसहारा बीस्ट था, कौन था? लायन था, तो उसके लिए वो जंगल में शिकार करता था और अपना जो खाना होता था वो उस हेल्पलेस बीस्ट यानी उस लायन के साथ में शेयर करता था। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड, रोज़ाना वो उसका जख्म साफ करता और उसे ड्रेसिंग करता यानी उसको नई पट्टी बांधता। सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट, जल्द ही लायन जो था वो चलने फिरने के काबिल हो गया। मैनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोकल्स वेयर एवर ही वेंट, तो बहुत मरतबा वो एंड्रोकल्स के पीछे पीछे जाता जहाँ जहाँ वो जाता, जंगल में वो जहाँ भी जाता तो उसके पीछे पीछे शेर भी जाता, इस तरह से उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। इन द मीन वाइल एंड्रोकल्स मास्टर हैड कंप्लेन टू द अथॉरिटीज़ दैट हिज स्लेव एंड्रोकल्स हैड रन अवे, तो इसी दौरान एंड्रोकल्स का जो मालिक था उसने अथॉरिटीज़ को कंप्लेन किया था, शिकायत की थी कि उसका गुलाम जो था एंड्रोकल्स वो भाग गया है। सोल्जर्स वेयर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोकल्स, तो सभी तरफ सोल्जर्स यानी सिपाहियों को भेजा गया था किसके लिए? एंड्रोकल्स को पकड़ने के लिए। दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो बट कुडंट फाइंड हिम, उन्होंने उसे ऊपर नीचे हर तरफ ढूंढा लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाए। एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोकल्स लिव्ड, आखिर में वो वहाँ उस जंगल में आए जहाँ पर एंड्रोकल्स रहता था। इट सो हैपन्ड दैट एंड्रोकल्स हैड गॉन आउट अलोन दैट डे व्हाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव, जो उस दिन क्या हुआ था कि एंड्रोकल्स अकेला गया था और जबकि शेर जो था वो केव के पास यानी गार के पास में, गुफा जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके पास में वो आराम कर रहा था। बोथ ऑफ देम फेल इन टू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स, तो इस तरह से जब एंड्रोकल्स वापस आया तो वो सिपाहियों ने दोनों को पकड़ लिया, किन दोनों को? शेर को और एंड्रोकल्स को। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी, तो सिपाही उन्हें वापस शहर ले गए। दे पुट एंड्रोकल्स इन चेन्स इन ए प्रिजन, उन्होंने एंड्रोकल्स को चेन्स यानी जंजीरों से बांध दिया और उसे एक जेल में डाल दिया। और द लायन वॉज केज्ड, और लायन को पिंजरे में बंद कर दिया गया। इन दोज डेज पीपल हु वेयर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ ए सीरियस क्राइम वेयर फेड टू वाइल्ड बीस्ट, उन दिनों में जो लोग कोई सीरियस क्राइम करते थे यानी बड़ा जुर्म करते थे उनको जंगली जानवरों को खिला दिया जाता था एज पनिशमेंट, सजा के तौर पर। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज ए वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम, तो उस वक्त कोई गुलाम अगर अपने मालिक के पास से भाग जाता था तो वो बहुत सीरियस क्राइम माना जाता था। देयरफॉर एंड्रोकल्स टू वॉज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट, इसलिए एंड्रोकल्स को भी जंगली जानवरों को खिला दिया जाना था। ऑन द अपॉइंटेड डे द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस, तो जो दिन मुकरर किया गया था उस दिन एम्परर यानी जो हुक्मरान था वो आया और उस सर्कस में अपनी जगह ले लिया। द क्राउड चीयर्ड लाउडली, जो भीड़ थी वहाँ पर जो लोग जमा थे वो ज़ोर ज़ोर से शोर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट एंड एंड्रोकल्स वॉज ब्रॉट इन टू द एरेना, एरेना मतलब जिस तरह से एक स्टेडियम होता है जहाँ पर कोई गेम होते हैं या सर्कस होती है, सब तरफ सीट्स लगी रहती है, बीच में ग्राउंड रहता है, उसे एरेना कहते हैं। तो ट्रम्पेटर्स ने ट्रम्पेट बजा रहे थे, ट्रम्पेट यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है, और एंड्रोकल्स को एरेना में लाया गया। हिज चेन्स वेयर अनबाउंड, उसकी जंजीरें खोल दी गई। ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड, डिसमेड यानी सैड, उदास।
उसे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी और वो उदास था. ही वॉज सर्टन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ. उसे यकीन था कि ये आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है. एट द अपोजिट एंड ए गेट वॉज रेज्ड एंड ए फेरोशियस लायन वॉज रिलीज इन टू द एरेना. फेरोशियस यानी खौफनाक, खतरनाक, वाइल्ड एंड डेंजरस. दूसरे अपोजिट एंड पर एक गेट वॉज रेज्ड, एक गेट को ऊपर किया गया, पिंजरे का गेट जिस तरह से ऊपर करके फिर जानवर को निकाला जाता है उस तरह से, और एक खौफनाक शेर को उस एरेना में छोड़ा गया. इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरोशियस. उसे और ज़्यादा खौफनाक बनाने के लिए उसे भूखा रखा गया था. एंड्रोकल्स वॉज फिल्ड विथ फियर. एंड्रोकल्स खौफ से भर गया, यानी उसको बहुत डर लग रहा था. बट ही पुट अप ए ब्रेव फ्रंट. टू पुट अप ए ब्रेव फ्रंट मतलब शो दैट वन इज़ नॉट अफ्रेड. यानी वो ऐसा दिखा रहा था कि वो डर नहीं रहा है, लेकिन वो अंदर से बहुत डरा हुआ था. द लायन सॉ एंड्रोकल्स एंड रश टूअर्ड्स हिम बाउंडिंग एंड रोअरिंग. लायन ने एंड्रोकल्स को देखा और उसकी तरफ वो रश्ड यानी उसकी तरफ दौड़ते हुए आया. बाउंडिंग एंड रोअरिंग, उछलते हुए और गुर्राते हुए, दहाड़ते हुए. बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स. लेकिन अचानक वो अपने रास्ते में रुक गया. देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड. फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा. ऑल इट्स रेग सीम टू हैव मेल्टेड. रेग मेल्ट होना यानी क्या होता है कि उसका जो एंगर था वो रिड्यूस हो गया, यानी उसका गुस्सा जो था वो कम हो गया. एंड्रोकल्स सॉ दिस टू. एंड्रोकल्स ने भी ये देखा. ईच फ्रेंड रिकग्नाइज द अदर. उन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को पहचान लिया था. मतलब ये वही शेर था जो एंड्रोकल्स के साथ जंगल में रह रहा था. एंड्रोकल्स ने जिसकी मदद की थी उसके ज़ख्म को ठीक करने में, इसलिए ये वही शेर था और इन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था. टू एवरी वंस अमेजमेंट द लायन बाउंडेड टूअर्ड्स एंड्रोकल्स अगेन. बट वेन इट रीच्ड हिम इट बिगैन टू पर एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम. तो सबको हैरत हुई जब के लायन जो था वो उछलते हुए एंड्रोकल्स की तरफ गया, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचा तो वो उसे अपनी नाक उससे रगड़ने लगा. एंड्रोकल्स हग्ड द लायन. एंड्रोकल्स ने शेर को गले लगा लिया. ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय. और वो एक रिलीफ यानी राहत और जॉय यानी खुशी, उसको एक राहत मिली थी और खुशी से वो रोने लगा. द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वॉच्ड दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर. तो सभी ऑडियंस जो थे, सभी जो देखने वाले थे वहाँ पर, और इंक्लूडिंग द एम्परर हुक्मरान के साथ साथ सभी जो लोग बैठे हुए देख रहे थे, वो इस टेंडर साइट को, इस नाजुक लम्हे को बहुत हैरत से देख रहे थे. ग्रेट वंडर, बहुत हैरत से देख रहे थे. पीपल बिगैन टू चीयर एंड्रोकल्स एंड आस्क फॉर हिज रिलीज. तो लोग एंड्रोकल्स को चीयर करने लगे और उसे उसको छोड़ने के लिए कहने लगे कि उसको अब आज़ाद कर दिया जाए. द एम्परर आस्क्ड एंड्रोकल्स टू एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर. तो एम्परर जो था, हुक्मरान जो था, उसने एंड्रोकल्स से कहा कि वो इस शेर के इस स्ट्रेंज अजीब बिहेवियर को, अजीब बर्ताव को हमको समझाए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें खाया क्यों नहीं. वेन ही हर्ड द होल स्टोरी द एम्परर वॉज ऑल्सो मूव्ड बाय द ग्रेटिट्यूड एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड बीस्ट. टू बी मूव्ड बाय यानी क्या होता है, फिल्ड विथ सॉफ्ट फीलिंग्स, यानी उसके दिल में भी उसके लिए अच्छे जज्बात पैदा हो गए. जब एम्परर ने स्टोरी, पूरी स्टोरी सुनी, तो वो भी जानवर और इंसान के बीच की फ्रेंडशिप से बहुत मुतासिर हुआ. ही ऑर्डर्ड दैट एंड्रोकल्स शुड बी सेट फ्री. तो उसने हुक्म दिया कि एंड्रोकल्स को आज़ाद कर दिया जाए. ही वुड नो लॉन्गर बी ए स्लेव. अब वो किसी का गुलाम नहीं रहेगा. व्हेन द एम्परर आस्क्ड एंड्रोकल्स व्हाट अदर रिवॉर्ड ही वुड लाइक. जब एम्परर ने एंड्रोकल्स से पूछा कि उसे और क्या इनाम चाहिए, तो एंड्रोकल्स रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ. कि एंड्रोकल्स ने जवाब दिया कि उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए. बट ही वॉन्टेड द लायन टू बी सेट फ्री टू. लेकिन वो चाहता है कि शेर को भी आज़ाद कर दिया जाए. द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव ए फ्री लाइफ. तो वो दोनों दोस्त फिर जंगल में चले गए एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए. तो इस कहानी से हमको एक ये भी सबक मिलता है कि हमें जानवरों के साथ मोहब्बत से और रहमदिली से पेश आना चाहिए, और उसी तरह से इंसानों को भी एक दूसरे के साथ में मोहब्बत और रहमदिली के साथ पेश आना चाहिए. एक दूसरे की ज़रूरत के वक्त मदद करनी चाहिए. तो ठीक है, अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे इंशाल्लाह.